विक्रम प्रखंड अंतर्गत दानाड़ा कचारी पंचायत के वार्ड संख्या 1 और 2 में नाली न होने की वजह से सड़कों पर पानी पसरा रहता है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों की शिकायत है कि वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास योजना और शौचालय के लिए फॉर्म भरकर कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, लेकिन इन्हें लाभ नहीं मिला। मोहल्ले में विद्यालय तो है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलती। सुनिए क्या कहते हैं वार्ड के लोग। मोहल्ले को लेकर आपके बीच आज हम आए हैं पटना से सटे विक्रम प्रखंड का दनाड़ा कटारी गांव वार्ड नंबर 1। यहां की कौन कौन सी समस्याएं हैं हम अवगत होते हैं यहां के लोगों से। मेरे पीछे वार्ड नंबर 1 दनाड़ा कटारी पंचायत के लोग खड़े हैं, जिनको अपनी अपनी समस्या है। आते हैं हम, पूछते हैं इनकी क्या समस्या। मैंने लोन कही मिलल है, हम लोन न मिलल है। अकाउंट पर पैसा जैसे वृद्धा पेंशन हमारा 5 बार मिलल, अभी हमारे अकाउंट पर पैसा न मिले। लोन कौन चीज का आपको मिला, नहीं मिल रहा है? गरीब आदमी ही कमाई खाई थी, तनी अब घर वाला तो नहीं मिला। घर वाला तो नहीं मिलल, सरकार कमा के अपन उठेगी। दुनिया के इंदिरा आवास का भी लाभ नहीं मिला? अच्छा, तो अबे लड़का चिकन है तब तो चलिए, यही सब मिली। आपके पास वोट मांगने आते हैं नेताजी, उस समय कुछ कहते हैं, कुछ भरोसा दिया उन्होंने? भरोसा तो देवे लग सरकार रहे तो लोग देवे करे हैं, भरोसा तो वोट पर जाए। यहाँ के महिला वार्ड सदस्य हैं, लेकिन अभी भले ही वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके पति यहाँ उपलब्ध हैं, और हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर, चूंकि इन्हीं की बदौलत इनकी पत्नी भी चुनाव जीती है, ये लोगों से वोट मांगने गए थे, तो क्या सोच कर ये चले थे चुनाव मैदान में, और क्या इन्हें अब तक लाभ हुआ है, क्या क्या समस्याएं हम जानते हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या है सर, गली एको वो ढलैया न है, नाली का व्यवस्था न है, बिजली के जड़ पर तार है, किसी को पेंशन न मिल रहा है, किसी को इंदिरा आवास न मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में वार्ड लोगों का एक धरना भी ब्लॉक में हुआ था, विक्रम ब्लॉक में। तो हम लोग सोचे कि कुछ सरकार से मिलेगा तो कुछ जनता का काम किया जाएगा, लेकिन सरकार से आज तक कुछ नहीं मिला। जनता का कोई काम न हो रहा है, जनता हम लोगों को बोलती है कि ये कर दो वो कर दो, हम लोग कहाँ से करें। पदाधिकारी से आप जनता की बात को रखे जो ये समस्याएं हैं? पदाधिकारी से हम बोले हैं सर, शौचालय समन्वयक संतोष जी हैं विक्रम का, बोले कि हमारे वार्ड को शौचालय मुक्त कर दीजिए, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिजली के लिए सब चीज लिख के दिए हुए हैं कि बिजली के जर्जर तार है, पोल एकदम जर्जर है, आए दिन दुर्घटना होते होते बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर का स्थिति उतने खराब है यहाँ पर, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। विद्यालय की स्थिति क्या है, आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है? विद्यालय में जाने के लिए तो रास्ता भी नहीं है, न समय से शिक्षक आते हैं, न बच्चों को ठीक से पढ़ा पाते हैं। आए दिन देखिएगा कि बच्चों टीचर लोग अपना मगन में बैठे हुए हैं स्कूल में, बच्चा बाहर खेल रहा है, रास्ता नहीं है स्कूल का। आंगनबाड़ी की स्थिति? आंगनबाड़ी का स्थिति है कि समय से न खुलता है, कभी खुला कभी बंद। एक प्रतिनिधि होने के नाते, प्रतिनिधि पति आप हैं, इसकी शिकायत विभाग तक, शिक्षा विभाग हो या आंगनबाड़ी के ICDS कार्यालय हो, वहाँ दिया आपने? यस सर, दिए हैं सर, बोले हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जांच होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यानी आपकी कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। घर घर शौचालय की बात कही जा रही है, राज्य सरकार ने 7 निश्चयों में भी इसे रखा है, लेकिन आप खुद सुन रहे हैं यहाँ के लोगों की जुबानी। क्या सुना चाहिए सर, हम लोग की तो कुछ नहीं है, न BPL है, न APL है, कुछ नहीं है हम लोग के, एकदम नहीं। शौचालय बना? कुछ ना जी। का है? का है नहीं, लेके लोग ले जाए तो वोट मांगे आवा, लोग वोट दे के जाए तो बाद में फिर देखाइयो ना। तो बता जा रहा है कि खुले में शौच नहीं जाना है, यही ना, स्वच्छ भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बंद कह रहा है, कल बोलते हैं। और लोग जो ऊपर से ऊपर जो खाज रहा है, जो खाज रहा है, नीचे वाला आदमी कुछ भी नहीं रहा है सर। खबर मोहल्ले की, और लोगों से पूछते हैं, अगर देखा जाए भारत गांवों का देश है, और जब तक गांव विकास नहीं करेगा भारत विकास नहीं करेगा। देखते हैं और लोग क्या कहते हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या ये है कि मेरा नहीं राशन है, नहीं तेल कार्ड है, नहीं कुछ भी नहीं है, अब है घर भी नहीं है,
मरई है, उसी में रहते हैं, क्या करें, पानी चुता है वहाँ में रहते हैं, यही समस्या है। तो आपके प्रतिनिधि आपसे वोट मांगते हैं, आप मांगते हैं तो कहते हैं कि से सब कर देंगे, हाथ गोर जोड़ते हैं कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं, कह के चला जाते हैं, उनको भी जाते हैं बुलाते हैं जाते हैं तो भी कहते हैं कि अभी मेरा समस्या नहीं है, अभी टाइम लीजिए, फिर दो चार दिन में टाइम देते हैं, फिर आइए, फिर जाइएगा तो फिर बताएगा, फिर आइए। कितने दिन से आप उनके पास दौड़ रहे हैं? बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, साल दो साल हो गया। अच्छा, नहीं मिला? दौड़ते नहीं मिला। क्या नाम है? मेरा नाम है संजू देवी। दोनों परिवार के बड़ा मिला तो उसे न मिला है, उन्हें के कुछ लाभ है नहीं माने, उन्हें के कुछ नहीं मिला है। अपने प्रतिनिधि से मांगती हैं, मुखिया है, विधायक है, तो कहीं कहीं तो छेड़छाड़ हो गई। अच्छा, कोई नहीं सुनता? कोई न सुने। विधायक जी आए थे वोट मांगने? हाँ, अबे कहा उनसे कहे कभी? वो कहन की खाली तोरा वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, दिया दिया अभी लेना दिया। कितना दिन से आप इंतजार में है वृद्धा पेंशन? डेढ़ दिन से हमारा लोग बनेबे नहीं जमो कहिए करता। आम जनता क्या करे जिसका प्रतिनिधि ही विभागीय उपेक्षा का शिकार हो, सरकारी उपेक्षा का शिकार हो, जाए तो आखिर कहाँ जाए आम जनता? बात खास है लेकिन आम की समस्या है। शशांक जी मिल